ममता कुलकर्णी जी की पहली मूवी 1995 में आई थी नान बर्गर। इसमें नीरज, ममता कुलकर्णी, विवेक और दिनेश ने अभिनय किया था। यह एक तमिल भाषा की मूवी है। अगली फिल्म 1992 में आई थी मेरा दिल तेरे लिए। इसमें दिनेश, ममता कुलकर्णी, गोपी वल्ला, अरुणा ईरानी, शीली कपूर और कादर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी प्रेमा सिखाराम। इसमें प्रशांत, ममता कुलकर्णी और अरुण पंडियन ने अभिनय किया था। यह एक तेलुगु भाषा की मूवी है। अगली फिल्म 1992 में आई थी डोंगा पुलिस। इसमें मोहन बाबू, ब्रह्मानंदम और ममता कुलकर्णी ने अभिनय किया था। यह एक तेलुगु भाषा की मूवी है। अगली फिल्म 1993 में आई थी तिरंगा। इसमें राजकुमार, नाना पाटेकर, हरीश कुमार, ममता कुलकर्णी, वर्षा सुगमकर और दीपक सिकरे ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी भूकंप। इसमें जितेंद्र, राहुल राय, दीपा शाह, ममता कुलकर्णी, मोहन जोशी और नवीन निश्चल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी वक्त हमारा है। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आशा जुल्का, ममता कुलकर्णी, अरुण ईरानी और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी अशांत। इसमें विष्णु वर्धन, अक्षय कुमार, अश्विनी भावे, ममता कुलकर्णी और पंकज धीर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1993 में आई थी आशिक आवारा। इसमें सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी, मोहिनी सुबहल, शर्मिला टैगोर, सैयद जाफरी और कादर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी अनोखा प्रेम युद्ध। इसमें प्रशांत, ममता कुलकर्णी और अरुण पंडियन ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी बेताज बादशाह। इसमें राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, ममता कुलकर्णी, जय मेहता और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी दिलवर। इसमें ममता कुलकर्णी, सुरेश ओबराय, ऋषिकेश राज, बीना बनर्जी और रीमा लागू ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी क्रांतिवीर। इसमें नाना पाटेकर, डिंपल कपड़िया, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी, परेश रावल और डैनी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी वादे इरादे। इसमें आयुष कुमार, ममता कुलकर्णी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, विजेंद्र घाटके और इरफान खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी करण अर्जुन। इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, राखी, ममता कुलकर्णी, काजल और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी आंदोलन। इसमें संजय दत्त, गोविंदा, आशा पारेख, ममता कुलकर्णी, स्वामी अली और दीपक सिकरे ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी बाजी। इसमें आमिर खान, ममता कुलकर्णी, परेश रावल, आशीष विद्यार्थी और मुकेश ऋषि ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी पुलिस वाला गुंडा। इसमें धर्मेंद्र, रीना राय, जय मेहता, ममता कुलकर्णी, दीप्ति नवल और मुकेश खन्ना ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी सबसे बड़ा खिलाड़ी। इसमें अक्षय कुमार, ममता कुलकर्णी, मोहिनी सुबहल, गुलशन ग्रोवर और सदाशिव अमरापुरकर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी किस्मत। इसमें गोविंदा, ममता कुलकर्णी, राखी, कबीर बेदी और सुरेश ओबराय ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी अहंकार। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, ममता कुलकर्णी, मोहनीश बाल, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी गैंगस्टर। इसमें देवानंद, अजीत, मनु गार्गी, ममता कुलकर्णी, अनिता आयुब और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी भाग्य देवता। इसमें ममता कुलकर्णी जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। यह एक बंगाली भाषा की मूवी है। अगली फिल्म 1996 में आई थी राजा और रंगीली। इसमें ममता कुलकर्णी और मोहन बाबू ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी बेकाबू। इसमें संजय कपूर, ममता कुलकर्णी, अशोक कुमार, अमरीश पुरी और हिमानी सिंह पुरी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी घातक। इसमें ममता कुलकर्णी जी ने कोई आए तो ले जाए इस गाने में विशेष उपस्थिति दी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी जीवन युद्ध। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, राखी, जया प्रदा, अतुल अग्निहोत्री और ममता कुलकर्णी ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी नसीब। इसमें गोविंदा, ममता कुलकर्णी, कादर खान, राहुल राय और शक्ति कपूर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके सभी गाने सुपर हिट थी। 1998 में आई थी जाने जिगर। इसमें जैकी श्रॉफ, ममता कुलकर्णी, अयूब खान, मोहनीश बाल और कादर खान ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी किला। इसमें दिलीप कुमार, रेखा, मुकुल देव, ममता कुलकर्णी, समिता जयकर और गुलशन ग्रोवर ने अभिनय किया था।
था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी चाइना गेट। इसमें ओम पुरी, अमरीश पुरी, डैनी, नसरुद्दीन शाह, मुकेश तिवारी, ममता कुलकर्णी और उपरेश रावल ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी वंशाधर। इसमें विक्टर बनर्जी, ममता कुलकर्णी, अनुराधा राय, रोनित राय और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने अभिनय किया था। यह एक बंगाली भाषा की मूवी है। अगली फिल्म 2001 में आई थी सेंसर। इसमें देव आनंद, जैकी श्रॉफ, हेमा मालिनी, ममता कुलकर्णी और शमी कपूर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी छुपा रुस्तम। इसमें संजय कपूर, मनीषा कोइराला, ममता कुलकर्णी, राज बब्बर और दलीप ताहिर ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 2002 में आई थी डिवाइन टेम्पल खजुराहो। इसमें ममता कुलकर्णी, साधिका और मीक सिंह ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2002 में आई थी कभी तुम कभी हम। इसमें ममता कुलकर्णी, चारुहास सिदोरे, अंजन श्रीवास्तव और विजेंद्र घाटके ने अभिनय किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। यह थी ममता कुलकर्णी जी की अब तक के फिल्मी सफर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।